गुड मॉर्निंग यूपी, ईटीबी भारत के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कीर्ति तोमर को। देश प्रदेश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार हम फिर हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेल की खबरों से। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की पांचवी बार हार। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में गुरुवार को हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा दिया। 147 रनों के टारगेट को ऋषभ पंत की टीम ने 6 गेंद रहते हासिल कर लिया। कोलकाता की आईपीएल के सीजन में लगातार 5वीं हार है। चलिए अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। मां करीना कपूर का हाथ पकड़कर चलना सीख रहे जेह। करीना कपूर खान शूट के लिए छोटे नवाब जेह को साथ लेकर गयी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 1 साल के जेह चलते हुए दिख रहे हैं। बड़े भाई तैमूर भी पहले कुछ इस तरह पेपराजी के कैमरे में कैद हुआ करते थे। जिस तरह तैमूर की फैन फॉलोइंग है, उसी तरह जेह के भी फैंस कम नहीं हैं। चलिए बॉलीवुड में क्या हलचल चल रही है बताते हैं। दुष्कर्म मामले में निर्माता विजय बाबू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। एक्टर विजय बाबू के खिलाफ एर्नाकुलम साउथ पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। केरल पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसने कथित तौर पर देश छोड़ दिया है। चलिए कुछ बातें अब सत्ता के गलियारों से भी हो जाएं। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान पर किया मंथन। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित स्वच्छ वायु पहल के संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक में उत्तर प्रदेश द्वारा भारत का पहला एयरशेड आधारित यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। यूपी से एक और खबर है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में टीचर्स की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के टीचर्स की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अध्यापकों की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का केंद्र सरकार का 31 दिसंबर 2008 का आदेश राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। चलिए अब रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय खबर का। आज पीएम मोदी करेंगे बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु में 3 दिवसीय उद्योग सम्मेलन सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना और देश में चिप डिजाइन करना होगा। एक और राष्ट्रीय खबर की बात कर लेते हैं। भारत ने रचा इतिहास, सफल रहा देसी नेविगेशन सिस्टम गगन का टेस्ट। नेविगेशन की दुनिया में भारत ने गुरुवार को इतिहास रच दिया। राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहली बार भारत में विकसित नेविगेशन सिस्टम गगन की मदद से फ्लाइट ने लैंडिंग की। इस सफलता के बाद भारत एशिया पैसिफिक रीजन में ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को दिया भारत आने का न्योता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की और उन्हें उनके भारतीय समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई दिल्ली आने का न्योता दिया। जयशंकर ने आधिकारिक दौरे के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन के साथ सकारात्मक चर्चा की। चलिए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। भारत का रासायनिक निर्यात $29 अरब से अधिक। भारत के रासायनिक निर्यात में पिछले 7 वर्षों के दौरान 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि बीते वित्तीय वर्ष में रासायनिक निर्यात 29 बिलियन से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। चलिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की अनोखी बात। पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुकी कंपनी फिर से बनाएगी क्रिकेट बैट। यूपी के प्रयागराज जिले में स्थित साइमेंट कंपनी से निर्मित बल्ले देश विदेश में मशहूर हैं। ये कंपनी लगभग 25 साल पहले तक बैट बनाती थी। कंपनी ने एक बार फिर से बैट बनाने का फैसला किया है। इस कंपनी के बल्ले ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दौरान खूब धमाल मचाया। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका समेत कई देशों के फेमस खिलाड़ी संगम नगरी में बनने वाले बल्ले से बल्लेबाजी करते हैं। अब चलते चलते आज का इंस्पायरिंग क्वेट।
कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय ईटीवी भारत पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।